दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो ये कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप किसी गधे को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे ना प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट चल निकलेगा। अब इस कहावत को एक कंपनी है क्रेडिट कार्ड की, जिसका नाम है क्रेड। ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है बैंगलोर का, जो IPL 13 का ऑफिशियल पार्टनर भी है। इसने इस फेमस कहावत को एज इट इज ले लिया है और गधों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के जाए ना कुछ पॉपुलर फिल्म स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसमें माधुरी दीक्षित हैं, गोविंदा हैं, बप्पी लारी हैं, अनिल कपूर हैं, अलका याग्निक हैं, उदित नारायण हैं, बाबा साहगल हैं। इस तरह काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और इन्होंने क्या किया है, इनको बड़ी स्टाइल में, इनको क्रिएटिवली बेकूफ बनाकर अपने प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कराया है और एंडोर्समेंट के नाम पर बेसिकली इनको बेकूफ बनाया है। बेकूफ कैसे बनाया है, इनकी स्टाइल से इनको ऑडिशन करवाया है कि आप हमारे प्रोडक्ट का कमर्शियल का ऑडिशन देने आए हैं क्रेड का, और आपको क्रेड बेचना है पब्लिक के सामने, तो आप अपने अपने स्किल्स के हिसाब से ऑडिशन दीजिए। तो अनिल कपूर अपने 1, 2 का 4 स्टाइल में ऑडिशन दे रहे हैं, माधुरी अपने डांस स्टाइल में दे रही है, गोविंदा अपने स्टाइल में दे रहे हैं, अनिल कपूर, अलका याग्निक, उदित नारायण, हर कोई अपने अपने स्टाइल में इसको कर रहा है। पर जैसे ही वो अपना ऑडिशन देते हैं तो कंपनी के बाहर बैठे स्टूडियो के लोग और मैनेजर्स उसको रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं इससे बकवास है, इससे बेहतर तो हमारा खुद का वॉइस ओवर है, डाउनलोड क्रेड। तो बेसिकली इस तरह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो रिजेक्ट होकर बड़ी बेइज्जती महसूस करके एक्टर्स स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं। कहने का तो फन है, क्रिएटिव आइडिया है, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में क्रिएटिविटी चलती है, बट आप सीधे सीधे देखेंगे तो एक तरह का स्पूफ है। इन एक्ट्रेस को इतनी बुरी तरह से स्पूफ किया गया है इनके स्टाइल का, इनकी पर्सनालिटी का, इनके ट्रेंड सेटिंग, जिन्होंने अपने पूरे करियर में जो अपने पर्सोना बनाया है उसको स्पूफ किया गया है। स्पूफ बहुत पॉजिटिव सा पोलाइट वर्ड है, बेसिकली इनका क्यूटिया काटा गया है और इनको इनके ही टैलेंट का मजाक उड़ा कर रिजेक्ट करके भेजा गया कि आप जाइए, आप हमारे एडवर्टाइजमेंट के लायक नहीं है, हम अपने आप खुद डाउनलोड क्रिएट कर लेंगे। तो पैसे देकर कोई कंपनी अपने ही ब्रांड एम्बेसडर को इस तरह मॉक करे, एक कंपनी के हिसाब से तो बहुत स्मार्ट ट्रिक हो सकती है, बट इन एक्टर्स को अपनी इमेज, अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। और ये बहुत चालाकी वाला स्टेप है कि एक्टर्स को यूज कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको इंसल्ट करके आप बाहर निकाल रहे हैं स्टूडियो से, अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो एक्टर्स के इमेज का तो पता नहीं, बट कंपनी ने फ़ायदा उठाया है। अभी एक्टर्स को डिसाइड करना है कि वो किसी एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट में अपने आप को गधे के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं या एक ब्रांड एम्बेसडर, एक पब्लिक इमेज के तौर पर। थैंक यू।